है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द अकॉर्डिंग शेफ। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट द स्पीच इनटू द टेक्स्ट। गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम एक टेक्स्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन गाइस आज हम इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस देखेंगे कि स्पीच को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आप कुछ बोलोगे तो जो ऐप होगा वो कन्वर्ट कर देगा उसको टेक्स्ट में। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है स्पीच टू टेक्स्ट के नेम से। तो ये हमारी एग्जामिन फाइल है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेआउट है तो हम इसे कर देते हैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट। ओके, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव लेआउट। सो गाइस अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक हमें माइक बनाना है एंड एक हमें टेक्स्ट व्यू बनाना है। मीन्स माइक के अंदर हम कुछ बोलेंगे तो जो हम बोलेंगे वो हमारा टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले कट कर देते हैं कम्प्लीट इसको एंड यहाँ पर हम बनाते हैं एक दोबारा से टेक्स्ट व्यू। यहाँ पर मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। अब यहाँ पर एक आईडी असाइन करते हैं, तो आईडी यहाँ पर हम दे देते हैं आईडी आउटपुट। ओके, एंड यहाँ पर मार्जिन असाइन कर देते हैं इसको, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट यहाँ पर 20 dp एंड मार्जिन फ्रॉम राइट आल्सो 20 dp एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप यहाँ पर हम कर देते हैं 150 dp। ओके, एंड यहाँ पर हम लाइन डिफाइन कर देते हैं, लाइंस मैक्सिमम कर देते हैं 7 लाइंस। ओके गाइस, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं एक इमेज व्यू, इमेज व्यू मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। यहाँ पर हम आईडी असाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा माइक एंड SRC। यहाँ पर इमेज भी हम सेट कर देते हैं ड्रॉएबल। ओके, अभी पहले इमेज हम यहाँ पर लगा लेते हैं, एक आइकन लगाते हैं। सो रिसोर्स फाइल में ड्रॉएबल में राइट क्लिक करते हैं एंड न्यू, यहाँ पर वेक्टर एसेट देन क्लिक, यहाँ पर सर्च करते हैं माइक। सो गाइज यहाँ पर हम ये माइक सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके, यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं माइक। ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर भी नेक्स्ट। सो यहाँ पर एट द रेट ड्रॉएबल माइक। ओके, एंड अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर हम कर देते हैं 80 dp। ओके, एंड यहाँ पर हम मार्जिन एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम 40 dp। ओके फाइन, सो ये हमारी एग्जाम्पल फाइल कंप्लीट हो चुकी है। जावा फाइल में चलते हैं, एक हमारे है यहाँ पर क्या टेक्स्ट व्यू। ओके, सो टेक्स्ट व्यू में हम कर देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट आउटपुट। ओके, और यहाँ पर हम कर देते हैं एक इमेज व्यू, इमेज व्यू तो यहाँ पर आ जाएगा माइक या फिर वॉइस माइक। सो यहाँ पर आप टाइप कास्ट करते हैं टेक्स्ट आउटपुट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पर आउटपुट, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने क्या दी थी आईडी आउटपुट एंड यहाँ पर आईडी है माइक। ओके फाइन, सो यहाँ पर वॉइस माइक इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर आईडी थी माइक। ओके ठीक है, अब हम लगाते हैं क्लिक लिसनर। सो वॉइस माइक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, एंड यहाँ पर हम एक इंटेंट लगाते हैं, इंटेंट
यहाँ पर अब यहाँ पर ऑल्ट एंटर कर देते हैं, तो एक क्लास इंपोर्ट कर लेगा इंटेंट की, इक्वल टू न्यू इंटेंट रिकॉग्नाइजर इंटेंट, रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट एक्शन रिकॉग्नाइज स्पीच। गाइस ये क्या करता है कि हमारे सामने एक विंडो ओपन कर देता है कि जिसमें हम अपना कोई भी टेक्स्ट बोलेंगे और ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा। एंड यहाँ पर आएगा फिर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइजर इंटेंट, रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा लैंग्वेज मॉडल। ओके, रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट लैंग्वेज मॉडल फ्री फ्रॉम, लैंग्वेज मॉडल फ्री फ्रॉम। ओके एंड इंटेंट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पर रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा लैंग्वेज एंड कॉमा, यहाँ पर लोकेल डॉट गेट डिफॉल्ट। अब गाइस ये जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज होता है ये क्या करता है, ये बताता है रिकॉग्नाइजर इंटेंट को कि बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन से रिकॉग्नाइज होगी। ओके सो यहाँ पर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट। मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट क्या करता है कि जो भी हमारी विंडो ओपन होगी उसमें जो कुछ हमारा मैसेज आएगा, जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्पीक नाउ। ओके एंड यहाँ पर हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ओके इंटेंट कॉमा। एक गाइस यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड आपको डिफाइन करना होगा, आप रिक्वेस्ट कोड कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड करते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ओके सो ये हमारा कंप्लीट कोड आ चुका है। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ रिक्वेस्ट कोड डबल इक्वल टू 1 एंड रिजल्ट कोड, यहाँ पर हम करते हैं रिजल्ट कोड डबल इक्वल टू रिजल्ट ओके, एंड एक कंडीशन और लगाते हैं यहाँ पर डेटा नॉट इक्वल टू नल। ओके तो यहाँ पर डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग एरे लिस्ट एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पर रिकॉग्नाइजर इंटेंट एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। ओके एंड गाइस ये जो गेट स्ट्रिंग एरे लिस्ट एक्स्ट्रा होता है ये क्या करता है, एक हमें एरे लिस्ट ही रिटर्न करता है। सो हम इसको एक एरे लिस्ट में स्टोर करा लेंगे, एरे लिस्ट। ओके एंड यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं एरे लिस्ट, एरे लिस्ट एंड जिसका जेनरिक टाइप होगा स्ट्रिंग एरे लिस्ट। ओके अब यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट व्यू में डेटा को सेट कर देते हैं, सो टेक्स्ट आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट एंड एरे लिस्ट डॉट गेट। सो यहाँ पर क्या होगा कि एरे लिस्ट की जो जीरो इंडेक्स पर डेटा होगा वो टेक्स्ट व्यू में सेट कर देगा। ओके गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट कोड था, तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं रिजल्ट कोड। ओके फाइन हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, सो अब एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। होप सो गाइस आपको समझ में आया हो कि स्पीच को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। जो भी हमने इसमें टास्क किया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड गाइज, अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।